जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम कर्मयोग है। आज हम 38वें और 39वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने समस्त अनर्थों का मूल और इस मनुष्य को बिना इच्छा के पापों में लगाने वाला बैरी काम को बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अब भगवान यह समझाते हैं कि यह काम मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर पापों के गड्ढे में ढकेल देता है। धूमे ना ब्रियते वहिनर यथा दर्शो मलेन चा यथोल्वे ना ब्रतो गर्भस तथा तेने दमा व्रतम। तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। धुआं, मल और जेर, इन तीनों के दृष्टांत से काम के द्वारा ज्ञान को आवृत बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह काम ही मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों के रूप में परिणित होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ धुएं के स्थान में विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती है। मैल के स्थान में मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जमा हो जाने से उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापों के द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ रूप प्रतिभासित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। एवं जेर के स्थान में आवरण को समझना चाहिए। जैसे जेर से गर्भ सर्वथा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही आवरण से ज्ञान सर्वथा ढका रहता है। जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है, वह मनुष्य निद्रा और आलस्य आदि के सुख में फंसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त नहीं होता। यह काम ही मनुष्य के अंतःकरण में नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षिप्त बनाता है। यही मनुष्य से नाना प्रकार के पाप करवाकर अंतःकरण में मल दोष की वृद्धि करता है और यही उसकी निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता में सुख वृद्धि करवाकर उसे सर्वथा विवेक शून्य बना देता है। इसलिए यहाँ इसको तीनों प्रकार से ज्ञान का आच्छादन करने वाला बतलाया गया है। भगवान ने काम को बैरी समझने के लिए कहा है और अगले श्लोक में भगवान स्वयं काम से ज्ञान को आवृत बतलाकर उस काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण ना होने वाला बतलाते हैं। आव्रतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च। तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। जिसमें तृप्ति का अभाव हो उसे अनल कहते हैं। अग्नि में चाहे जितना घृत और ईंधन क्यों ना डाला जाए, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती, इसलिए अग्नि का नाम अनल है। जो किसी प्रकार पूर्ण ना हो उसे दुष्पूर्ण कहते हैं। अतः यहाँ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम भी अग्नि की भांति अनल और दुष्पूर्ण है। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है, वैसे वैसे अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। राजा ययाति ने भी बहुत से भोगों को भोगने के बाद अंत में कहा था
कि विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक बढ़ता जाता है। यहाँ पर ज्ञानियों का नित्य वैरी काम को बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम रूप शत्रु उन साधकों के अंतःकरण में विवेक, वैराग्य और निष्काम भाव को स्थिर नहीं होने देता, उनके साधन में बाधा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों का नित्य वैरी बतलाया गया है। वास्तव में तो यह काम सभी को अधोगति में ले जाने वाला होने के कारण सभी का बैरी है, परंतु अविवेकी मनुष्य विषयों को भोगते समय भोगों में सुख वृद्धि होने के कारण भ्रम से इसे मित्र के सदृश समझते हैं और इसके तत्व को जानने वाले विवेकियों को यह प्रत्यक्ष ही हानिकर दिखाई देता है। इसलिए इसको अविवेकियों का नित्य बैरी ना बतलाकर ज्ञानियों का नित्य बैरी बतलाया गया है। अब समझते हैं कि यहाँ पर किस काम की बात की जा रही है। जो काम दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका त्याग करने के लिए गीता में जगह जगह कहा गया है, उस सांसारिक विषय भोगों की कामना रूप काम का वाचक यहाँ काम रूपेण पद है। भगवान से मिलने की, उनका भजन ध्यान करने की अथवा सात्विक कर्मों के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है, उसका नाम काम नहीं है। वह तो मनुष्य के कल्याण में हेतु है और इस विषय भोगों की कामना रूप काम का नाश करने वाली है। वह साधक की शत्रु कैसे हो सकती है? इसलिए गीता में काम शब्द का अर्थ सांसारिक इष्टानिष्ट भोगों के संयोग वियोग की कामना या भोग्य पदार्थ ही समझना चाहिए। यहाँ पर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को काम के द्वारा ढका हुआ बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे जेर से आवृत रहने पर भी बालक उस जेर को चीर कर उसके बाहर निकलने में समर्थ होता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण करने वाले धुएं का नाश कर देती है, उसी प्रकार जिस समय किसी संत महापुरुष के या शास्त्रों के उपदेश से परमात्मा के तत्व का ज्ञान जागृत हो जाता है, उस समय वह काम से आवृत होने पर भी काम का नाश करके स्वयं प्रकाशित हो उठता है। अतः काम उसको आवृत करने वाला होने पर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा सर्वथा बलहीन है। राधे राधे।